कितनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस एडिटिंग अगर आप भी करना चाहते हो फ्रेंड्स पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी टूल्स यूज हुए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, इस एडिटिंग के लिए मैंने यूज किया है लाइट मोशन एप्लीकेशन का। तो अगर आपके पास है तो डायरेक्ट उसे ओपन कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो मोड वर्जन प्रीमियम का जो होता है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको एड्स या वाटरमार्क कुछ नहीं मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई भी अपडेट्स आएगा किसी भी एप्लीकेशन का तो आपको वहां पे मिल जाएगा, आपको इससे काफी आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इससे उन्हें भी हेल्प मिले और मुझे भी सपोर्ट मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं फोन के स्क्रीन पे, ओपन करेंगे एलाइट मोशन एप्लीकेशन को। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आया होता है, प्लस के आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जिस भी रेशियो में आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर चल रहा है ये पेंसिल वाले पे, आप क्लिक कीजिएगा, फुल स्क्रीन में जो व्हाट्सअप पे आता है उस तरह का, तो पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा। इस साइड में आपको 10/81 आपको लिख लेना है और इस साइड में 23/40 आप लिख लीजिएगा। या ये बीच वाला जो चेन का ऑप्शन है इसे हटा दीजिएगा तभी आप लिख पाइएगा, ठीक है। एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा और 10/81 और 23/40 टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे आपको सिंपली यहाँ पे रेजुलेशन, तो ये 10/81 और 23/40 आपको रख लेना। फ्रेम रेट 30 FPS रखिएगा, बैकग्राउंड ब्लैक, और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद प्लस के आइकन पर टैप कीजिएगा, ऑडियो वाले सेशन में जाइएगा। और फ्रेंड्स, इसमें आप काफ़ी सारे ऑडियो में देखे होंगे जो स्टेटस वायरल चल रहा होता है, तो उसमें इस टाइप का होता है कि 3 से 4 लाइटकल्स आता है, उसके बाद इमेज आता है तो बीट के साथ आता है, तो उस तरह का कोई अगर आपके पास साउंड हो तो उसे चूज कर लीजिए। तो मैं नॉर्मल साउंड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं आपको स्टेटस एडिटिंग बता सकूं। चलिए, तब तक के लिए मैं इस साउंड को यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स, इसमें इफेक्ट देना है लाइटकल्स का, तो सबसे पहले आप चलाकर देख लीजिएगा फर्स्ट लाइटकल्स आपके स्टेटस में क्या है। तो मेरा फर्स्ट है तू इतनी, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। आप स्टेटस यहाँ पे देखेंगे तो इमेज का बीट जो है सो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे जो भी लाइटकल्स होगा। तो मैंने नॉर्मल यहाँ पे टाइप कर लिया तू इतनी। इसके बाद ये लाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करना रोबोटो रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लेमन मिल्क मीडियम का फॉन्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये 18 PT है तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लीजिएगा, जितना रखना है मतलब छोटा सा ही रखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद इसका कलर यहाँ से व्हाइट कर दीजिएगा, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा। और राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद इसे चलाकर आप देख लीजिएगा फर्स्ट लाइट का खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से सेकेंड वाला लाइटस मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा बचेगा तो इस पर क्लिक कर देंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद इस तरह से जूम आउट कर लीजिएगा ताकि ये पूरे स्क्रीन पे आपका लाइटस जो है आ जाए, इससे आपको एडिटिंग इफेक्ट देने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे बीचों बीच एक क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करें, जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे एक की लगा दीजिएगा। की लगाने के बाद इस साइड में भी एक की आप लगा लीजिएगा और इसे जूम आउट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से नीचे की तरफ इधर ले लीजिएगा, तो देख सकते हो गया। अब इसे उठाइएगा यहाँ से और इसे इस साइड में यहाँ पे रख दीजिएगा और फिर दूसरे साइड में आइएगा, एक की यहाँ पे भी लगाइएगा। यहाँ पे की लगाने के बाद इसे जूम करना है आपको, तो ऊपर की तरफ जूम कर लीजिए, पूरे स्क्रीन तक इस तरह से कर लीजिए, यहाँ तक ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से इसे उठाइएगा और इसे लास्ट में कर दीजिए इस तरह से, तो देख सकते ये दोनों हो गए। अब दोनों के बीच में कर्व लगाना है, तो फ्रेंड्स ये कर्व वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसे हल्का से इतना पे रख लीजिए और इसे हल्का से इतना पे रख लीजिए, ठीक है। इस साइड में आइएगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे नीचे के इसे ऊपर की तरफ इतना पे रखना था, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लगा दिया। तो फ्रेंड्स, इसे इस साइड में इतना पे रख लीजिएगा और दूसरी साइड वाला जो मैंने ऊपर किया था तो उसे नीचे की तरफ इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। इस साइड में नीचे की तरफ रहेगा और इस साइड में ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसमें हमें इफेक्ट देना, तो स्क्रीन पर टाइप कीजिएगा, बैक आ जाएगा, फिर से इस लाइटकल्स को सिलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इफेक्ट थोड़े ज़्यादा यूज करने हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो अगर आप चाहे तो XML का फाइल मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, आप ये स्टेटस का नाम सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लगाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऐड इफेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एस्ट्रिप्स का इफेक्ट लेना है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्कॉल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एस्ट्रिप्स आपको नीचे दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको काउंट 5.0 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 10 पॉइंट है तो इसे इस तरह इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ पे 5.0 कर दीजिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये
ये हो गया 5.0। इसके बाद विथ का जो ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट कीजिए, ये 50 है तो इसे आपको 25 कर देना है, सिंपली 25 कर दीजिए, मतलब ये 50 था तो इसे आपको 25 कर देना है। ये हो गया, नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा। अब एंगल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो एंगल में आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे फेज आ रहा है तो फेज पे आपको क्लिक कर लेना है। फेज पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको की लगाना है, ठीक है, तो एक की है स्टार्टिंग में लगेगी यहाँ पे और दूसरा की लगाइएगा लास्ट में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला तो स्टार्टिंग वाला 0 था और ये लास्ट वाला जो है इसे आपको 2 कर देना है, तो इस तरह से आगे बढ़ा दीजिएगा इसे थोड़ा सा, यहाँ पे ये रहा यहाँ पे तक व्हाइट वाला लाइन जो दिख रहे हैं तो यहाँ तक आप कर दीजिएगा और ये देख सकते हैं 2 हो गया, ठीक है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे कलर का जो ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लीजिए, तो यहाँ पे स्काई कलर ज़्यादा चलता है तो चलिए मैं स्काई कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर इसे गाढ़ा करने के लिए पेंसिल के नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसे ऊपर की तरफ कर दीजिए तो ये गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से बैक आइएगा, स्ट्रिप्स जो लिखा हुआ है इस पर टैप कीजिएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कलर एंड लाइट में जाना है, यहाँ पे आपको रेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं पे मिल जाएगा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रेज का ऑप्शन ये वाला मिल जाता है, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद फ्रेंड्स स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ आपको रेज पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो इंटरसिटी का ऑप्शन आता है, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये 1 है तो इसे आपको 5 कर देना है, तो देखेंगे आप ऊपर में रेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा और बढ़ाएंगे इसे यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा 5, इसे कर देना है सिंपली, ये पूरा लास्ट में लेकर आ जाइए तो ये 5 हो जाएगा। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें रेज कुछ इस तरह से आता है, तो अब नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे इंटरसिटी के बाद फ्रेंड्स थ्रेशोल्ड का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कीजिएगा और थ्रेशोल्ड का आपको 0 कर देना, तो इस तरह से पूरा नीचे की तरफ कर दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद लेंथ का ऑप्शन ऊपर में आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, लेंथ को आपको यहाँ पे कर देना है 0.4 या आगे पीछे थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये देख सकते हैं 5 में कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका ऊपर में जो रेज मिलता है आप देखेंगे इसे जितना बढ़ाएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता है, तो चलिए मैं इसे 4 तब तक के लिए कर देता हूँ, 5 चलिए इतना सही है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको की लगाना है, तो की लगाने के लिए आपको लेंथ पे जाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी लेंथ पे की नहीं लगाना है, सेंटर पे की लगाना है, ठीक है, तो सेंटर पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले सेंटर को आपको कर देना है माइनस में, वाई को कर दीजिएगा माइनस में 2650 कर दीजिएगा, मतलब 2650 माइनस में, तो इस साइड में हम स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पे करना है 2650, तो देख सकते हैं नीचे आपको लाइनिंग दिखने लगेगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कर लेना कि कितना आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 2650 तो ये देख सकते हो गया, ठीक है, इतना पे आप रख लीजिएगा। इसके बाद वाई पे क्लिक कीजिए, एक्स पे क्लिक कीजिएगा, मतलब वाई 2650 कर देना है, एक्स पे क्लिक कीजिएगा, एक्स पे आपको की लगाना है, तो सबसे पहले बीच में एक की लगा लीजिएगा जो कि 0 पे होगा, अब इस साइड में एक की लगाना है तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 800 कर देना, मतलब 800 कर देना है सिंपली, प्लस में 800, तो थोड़ा और जाएगा ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे 800 ये रहा थोड़ा सा। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट अच्छे से देखिएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर एक्सनेल का आप यूज करके एक ही बार में स्टेटस बना सकते हैं। अब इसके लास्ट वाले की पे आ जाइएगा, लास्ट वाले की को आपको माइनस में 300 कर देना है, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, ये देख सकते 300 कर देना है इसे, ओफ 300 ये हो गया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है तो सिंपली यहाँ रेज पे क्लिक कीजिए, अंदर की तरफ चला जाएगा, इसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ब्लर में आपको जाना है, यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर जो सेकंड वाला ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद आपको की के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं पहले, तो डायरेक्शनल ब्लर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ प्लस कर लेना है, इसे प्लस करने के बाद इसे 0 कर देना है, तो यहाँ पे 0 होगा, इसके लास्ट में आ जाइएगा और यहाँ पे एक की लगाइएगा, इसे आपको 15 कर देना है, मतलब 15 यहाँ पे आप इसे कर दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है, इतना फर्स्ट लाइट कल्स जो हमारा कंप्लीट हो गया। बट अभी आपको ध्यान देना है कि सेकेंड लाइट कल्स जो आप लेंगे तो उसमें कुछ चेंजिंग करना है, तो इसे आपको सेकेंड लाइट कल्स के लिए सबसे पहले इसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस लाइट कल्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर लें, क्लिक कर कॉपी लेयर कर लीजिए तो ये कॉपी हो जाएगा, इसके बाद फिर से इसे पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लीजिए, और सेकेंड वाला जो लाइन है आपका उसे एक बार चलाकर देख लीजिए, तो यहाँ तक आ रहा है, तो प्लीज सेकेंड लाइन इसको सिलेक्ट कीजिए, घड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ तक आ जाएगा। अब इसमें जो लाइटिकल्स था उसे हमें टाइप करना है, तो एक बार चलाकर फिर से देख लेता हूँ, खूबसूरत है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से जो लिखा हो उसे हम हटा देंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे खूबसूरत
है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद अब इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद सबसे पहले स्ट्रिप्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको कलर मिलेगा, कलर पे क्लिक कीजिए और जो भी कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट में ये वाला कलर था तो सेकंड में हम दूसरा वाला कलर दे देते हैं, तो चलिए मैं तब तक के लिए ये वाला पिंक कलर को ले लेता हूँ, ठीक है। इसे लेने के बाद यहाँ से बैक आ जाइए, तो फर्स्ट कलर चेंज हो गया इसका, अब इसमें आपको की चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स पे क्लिक कीजिए, अंदर चला चला जाएगा। इसके बाद रेज पे क्लिक कीजिए, रेज पे क्लिक करने के बाद सेंटर वाला जो ऑप्शन है इसमें की आपको चेंज करना है। ये लास्ट में जो की लगा हुआ था तो इसे आगे की तरफ इस साइड में लेकर आ जाइएगा, और इस साइड में जो की लगा हुआ था तो इसे लेकर इस साइड में पूरी तरह से लास्ट में कर देना है, जैसे यहाँ पे कर दिया, और इसे उठाकर पूरा इस साइड में कर देना है। रेज का की चेंज हो गया, अब यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए तो अंदर की तरफ चला जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से बैक आ जाएगा, बैक आने के बाद फिर से इसे सेलेक्ट कीजिए, मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और यहाँ जूम वाले को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जो की लगाया हुआ है तो इसे भी उल्टा कर देना, तो इस साइड वाले को इस साइड और इस साइड वाले को इस साइड पूरी तरह से लास्ट में कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, लेयर कर्ल्स इसी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप इसे चलाकर देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने जो इसे लगाया था तो ये थोड़ा सा हिल गया, तो इसे मैंने बीच में कर देना है, यहाँ से सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ इसे सेंटर में। आप जहाँ पे रखना चाहते हैं इस तरह से उंगली से स्क्रॉल कीजिएगा और ये चला जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद हिल गया था जिसकी वजह से इधर चला गया, इसे सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। दोनों देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके सेकेंड वाले लाइन के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इस तरह, सॉरी यहाँ पे पेस्ट नहीं कर दिया मैंने, इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे, और इसे फिर से यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसमें जो लाइट का सुगर उसे चेंज कर देना है। यहाँ तक आ रहा है तो इसे सेलेक्ट करते हैं, ये घड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। यहाँ तक आ गया, इसका जो लाइट का सुगर उसे चेंज कर लीजिएगा, और इसके बाद वाले लाइट का के लिए आपको सेकेंड वाला यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी लेयर कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक, और फिर से इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पर, और लाइट का जहाँ तक होगा, ठीक है। तो यहाँ तक, जैसे यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ तक लेकर आ जाना है। तो लाइटकल्स आपका चार्ट हो यहाँ पे आपको मिल गया। इसके बाद हमें इमेज देना है और इमेज पे इफेक्ट देना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो चार्ट हो लाइटकल्स आएगा इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, तो इस तरह से एक आता है एक जाता है और फिर यहाँ से इमेज स्टार्ट होगा। तो इमेज आपको आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो ठो इमेज हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना टाइम का ये होगा इतना आधा आधा हम कर लेंगे। तो सिंपली फर्स्ट इमेज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस का आइकन पे, और यहाँ पे इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जो भी इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। तो चलिए मैं तब तक के लिए कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो भी इमेज करना चाहे उसे कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट इमेज मैंने यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे इसे ले लेते हैं और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसे फुल स्क्रीन कर देंगे तो पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं ये नॉर्मल इमेज यूज करके आपको एडिटिंग बता रहा हूँ, आपको जो भी इमेज लेना होगा तो उसे ले लीजिएगा। अब यहाँ पे जितना मेरा मतलब सॉन्ग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीचों बीच इसे कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कीजिएगा और ये घड़ी वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक कीजिएगा और इसे यहाँ तक ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें इफेक्ट देना है तो सिंपली इस इमेज पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले पिक को जूम कर देना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले की लगाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाइए, इसके स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला जो ऑप्शन है इसमें जाइएगा, और इसे आपको जूम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, जूम वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करने एक तो प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और फिर थोड़ा ही आगे जस्ट आगे जाने के बाद यहाँ पे जस्ट आगे थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे एक तो की लगा लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले की पे आ जाइएगा, फर्स्ट वाले की पे आने के बाद इसे 6000 तक यहाँ पे जूम कर देना, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में पी एक्स जो दिखा रहा है तो इसे आप जूम कर दीजिएगा, ठीक है। तो जितना आप जूम करना चाहे इसके बाद यहाँ से ये सही है, ठीक है, इतना पे ये इतना पे रहेगा, तो ये सही है यहाँ पे। अब इसमें एक तो कर्व देना है, तो कर्व देने के लिए इस साइड में आइएगा यहाँ पे, और ये कर्व वाला जो ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे यहाँ पे, और इसे यहाँ पे पूरी तरह से कर दीजिएगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसमें इफेक्ट देना है, इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे फ्रैक्टिकल वार्प वाला जो ऑप्शन आता है तो उसे सेलेक्ट करना है, तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे वार्प वाले में जाइएगा और यहाँ पे फ्रैक्टिकल वार्प आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। इसका सेकंड वाला जो है इसे सिंपली ले लीजिएगा यहाँ से, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड वाला ले लेना है। इसके बाद रैंडम जीटर आपको लेना है तो सिंपली यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद एसी को सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको रैंडम जीटर लेना है जो आपको मूव ट्रांसफॉर्म में मिल जाएगा, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम जीटर आपको इसे ले लेना है, इसे लेने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद रैंडम जीटर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इस पर आपको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करना है इसे 25 आपको कर देना, मतलब 30 है तो इसे आपको 25 कर देना है, मतलब 25 पे इसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा 25, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। इसके बाद मैग्नीट्यूड पे क्लिक कीजिए, मैग्नीट्यूड को आप 6 कर देना है, 25 बहुत ज़्यादा है तो इसे आपको 6 कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ मूव ट्रांसफॉर्म में जाएगा, ऑक्सिलेट वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको ऑक्सिलेट में स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे ऑक्सिलेट पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका एंगल आपको 90 डिग्री कर देना है, 90 पे आपको सिंपली कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ये रहा 90, इसे कर देना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 हो गया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पे क्लिक कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी में आपको इसे की लगाना है एक ठो, तो स्टार्टिंग में आइएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद एक ठो की यहाँ पे लगा लीजिए और थोड़ा आगे मतलब 2 सेकंड वाला की जो है वहीं पे आपको एक ठो की लगा देना है, ये सॉरी यहाँ पे, और एक ठो की लगा लीजिएगा। अब स्टार्टिंग वाले को आपको 2 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इसे 2, और इसके बाद वाले को 0 कर देना, तो यहाँ पे इसे 0 कर दीजिएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसमें मैग्नीट्यूड जो है, तो मैग्नीट्यूड में भी एक की लगाना है, तो स्टार्टिंग वाले पे आइएगा, यहाँ पे एक ठो की लगा लीजिए और इसे 200 कर दीजिएगा, यहाँ पे 200 सिंपली इसे, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, 200। और सेकेंड वाला की जो है उस पर आइएगा और सेकेंड वाले की पे आपको 0 कर देना, तो यहाँ पे की लगाइएगा और एक ठो 0 कर दीजिए इसे, ठीक है, इस तरह से हो गया। इसमें आपको एक और इफेक्ट देना है, तो ऑक्सलेट पर क्लिक कीजिए, अंदर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिटोशन ऑफ वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्लो या स्कैन का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, ड्रॉइंग एंड एडिज में जाकर ग्लो या स्कैन को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ग्लो या स्कैन पर क्लिक करना है, सॉरी ग्लो स्कैन में हम सिंपली ऐड इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, ड्राइंग एंड एडिटिंग में जाएंगे, ग्लो स्कैन पर क्लिक करेंगे, इसका सेकंड वाला जो है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी एडिटिंग नहीं करना होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसमें 3 ठो पार्ट इसका कर देना, मतलब ये इतना बड़ा है तो इसका 3 पार्ट कर लीजिएगा, तो सिंपली इतना पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे इसे बीच वाला सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पर कट जाएगा, इसके बाद इतना पे आइएगा और फिर से इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक कर दीजिए और कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद इफेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे ऑक्सलेट को छोड़ के सबको डिलीट कर दीजिए, एक एक सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ग्लो स्कैन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से सब हट गया, सिर्फ ऑक्सलेट आपको यहाँ पे रह गया। अब इसमें एक इफेक्ट देना है, तो सिंपली ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर एंड लाइट में जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद फ्रेंड्स फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको की लगाना है, ठीक है, यहाँ पे की नहीं लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसे माइनस में 100 कर देंगे, ये हो गया, देख सकते हैं माइनस में 100। तो फ्रेंड्स अभी आप इसे चलाइए तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको इससे आगे वाला करना है, तो क्या कीजिएगा, इस यहीं पे यहाँ पे आ जाते हैं, इसके लास्ट में, इस इमेज के लास्ट में यहाँ पे, और सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल इमेज सेलेक्ट करके आपको एडिटिंग बताया, तो मैं तब तक के लिए एक और इमेज कोई सा भी ले लेता हूँ, चलिए ये वाले को ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आएगा, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसे फ्रीले स्किन कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से आ गया और इसे लास्ट तक कर लेना है, जितना टाइम हमारा स्टेटस है तो लास्ट में आ जाएंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट तक कर देंगे। अब इसका भी 3 पार्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करना, इसे बीच में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, यहाँ पे बीच में क्लिक कर दीजिए, कट गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले के इफेक्ट में जाइएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, पूरा इफेक्ट कॉपी हो गया, इस इमेज के फर्स्ट वाले में आइएगा, इफेक्ट में जाइए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, इसका सारा इफेक्ट आपको यहाँ पे आ गया। और बीच वाले पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में जाइए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, इसके बीच वाले में आ जाइए, यहाँ पे बीच वाला, सॉरी बीच वाला यहाँ से हट ही गया, मैंने शायद गलत बटन दबा दिया था, तो यहाँ से मैं इस साइड वाले को कट करके हटा देता हूँ, इसके बीच में हमें रखना था तो यहाँ पे कट कर देते हैं, तो बीच वाला यहाँ पे मिल गया। अब इस पर क्लिक करें, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, तो इस पर भी इफेक्ट मिल गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। अब इसके लास्ट वाले पे तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और इसके लास्ट वाले में आकर इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ये हो गया। अब इसे आप स्टार्टिंग से चलाकर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, और काफ़ी कमाल के स्टेटस बनकर आपके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल रही होगी, सो गाइस ट्यूटोरियल अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट।